Welcome to Dental College Azamgarh, a place where theory meets practical. Here, you will witness our state-of-the-art facilities. Our experienced faculty ensures that you receive the best education possible. Inclusive and diverse learning environment fosters collaboration. Our state-of-the-art central and digital libraries, a gateway to the world of knowledge, our everyday heroes. So come and join us. Be the difference. The world needs you. आजमगढ़, पवई थानाध्यक्ष समेत 15 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज, फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप। खबर यूपी के आजमगढ़ जिले से है, जहां एक महिला की शिकायत पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह ने अहरौला पुलिस को पवई थानाध्यक्ष समेत 15 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। महिला का आरोप है कि पवई थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने उसके पति और उनके साथी को स्कॉर्पियो में गांजा बरामद दिखाते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाया था। पीड़िता गीता ने कोर्ट में बताया कि उसके पति इंद्रजीत यादव और संचित यादव फुलवरिया में स्थित बियर की दुकान पर सेल्समैन हैं। उसने आरोप लगाया कि होली पर पुलिस ने उसके पति से अवैध धन की मांग की थी। इनकार करने पर 7 मार्च 2020 को पवई थानाध्यक्ष संजय कुमार, सुनील कुमार सरोज, उपनिरीक्षक चंद्रजीत यादव, उपेंद्र यादव और सुरेंद्र यादव समेत 10 अन्य पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे और उनके स्कॉर्पियो की चाबी लेकर उसके पति और संचित यादव को स्कॉर्पियो में बैठाकर पवई थाने ले गए। पुलिस ने उसके पति और संचित यादव को पवई माहुल रोड पर वाहन चेकिंग दिखाते हुए शराब और गांजा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता के पति और संचित यादव को उच्च न्यायालय ने 4 जून 2020 को जमानत दी। पीड़िता ने 29 मई 2020 को न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के न्यायालय में वाहन छुड़वाने के लिए आवेदन दिया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 26 जून 2020 को वाहन सौंपने का आदेश जारी किया, लेकिन थानाध्यक्ष संजय कुमार ने वाहन नहीं छोड़ा। जब किसी अधिकारी ने सुनवाई नहीं की तो पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट ने अहरौला थानाध्यक्ष को पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने और विवेचना करने का आदेश दिया है।